આગળ વાત કરીએ તો રાહુલ ગાંધીની ન્યાય યાત્રાનો આજે બીજો દિવસ છે અને આજે અનેક જગ્યાએ તેઓ દર્શન કરવાના છે. દાહોદ ખાતે પણ ખાસ જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યા છે ત્યારે અમારા માનો મેરામાન ઉપટી રહ્યો છે અને ભારે સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. અમારી સાથે છે પ્રભારી મુકુલ વાસનિકજી, તેમની સાથે વાતચીત કરશું આ યાત્રાને લઈને અને આગામી રણનીતિને લઈને. સર સ્વાગત હે ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપકે. યાત્રા મેં બહુત લોગ જુટ રહે, ખાસ કરીને યુવાધન, ક્યા કહેના ચાહોગે યાત્રા કો લેકર? देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ समय में हमारे लाडले नेता राहुल गांधी जी देश के विभिन्न भागों में पहुंचे. पहले तो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक और फिर अब इम्फाल से लेकर तो मुंबई तक की यह यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू करी है. किस तरह से हम समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय दे सकते हैं, हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, तमाम लोगों को किस तरह से हम समाज में समता, सामाजिक न्याय, ये जो बुनियादी उसूल है उस आधार पर कैसे सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा सकते हैं, ये उनका प्रयास है. और मैं समझता हूं कि ये एक संदेशा लेकर वो चले हैं और उनके पीछे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी मात्रा में शामिल होते रहे. जो मुद्दों पे सरकार ध्यान नहीं दे रही वो मुद्दे उठ रहे हैं और प्रजा को मुद्दे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए प्रतिसाद जो मिल रहा है यात्रा को बहुत अच्छा मिल रहा है. मैं जालौर से उनके साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ गुजरात में एंट्री होने के बाद. आपका क्या मानना है? देखिए निश्चित तौर पर लोग ये समझते हैं कि राहुल गांधी जी ये तमाम लोगों की बात कर रहे हैं. राहुल गांधी जी पूरे मुल्क को भावनात्मक तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों से दुर्भाग्यपूर्ण ये बात रही है कि जिनकी जिम्मेदारी भारत के संविधान को लेकर अपनी हुकूमत चलाना था वो संविधान के खिलाफ कदम उठा रहे हैं. जिनकी जिम्मेदारी थी भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं. जिनकी जिम्मेदारी थी समाज के दलित, पीड़ित, परेशान समाज का उपेक्षित वर्ग, उसको न्याय देना, उसको सशक्त बनाना, आज उनके तरफ पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है. और वो तमाम लोगों की बात, उनकी आवाज बनकर राहुल गांधी जी निकले हैं, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं. मेरा अंतिम सवाल है, जब माँ को बेटा छोड़ के चला जाता है तो कभी सुखी नहीं होता है. कांग्रेस माँ है और जो भी लोग गए हैं शायद प्रजा उनको जवाब देगी. देखिए कौन किस वजह से गए हैं ये तो वो खुद ही जानेंगे, मैं उसके ऊपर बहुत कुछ कहूंगा नहीं. लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार अन्य दूसरे पार्टियों से, खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जैसे वो लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं दबाव तंत्र इस्तेमाल करके, कहीं पर लोगों के बीच में कुछ प्रलोभन देने की कोशिश करके, विभिन्न तरीकों से उन्होंने पार्टियों को तोड़ने की, वहां के लोगों को तोड़ने की ये कोशिश करी है. आपने देखा हाल ही में चंडीगढ़ के महापौर का चुनाव था, वहां पर वहां के कॉरपोरेटर जाके चुनाव एक तरीके से दे रहे, वहां का रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव अधिकारी किस तरह से वो चुनाव के नतीजे को बदल डालता है, ये मैं नहीं समझता हूं कि ये सामान्य स्थिति है. हिमाचल प्रदेश में बहुमत कांग्रेस का और कैसे वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ते, मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र एक काली रात से गुजर रहा है, लेकिन जरूर फिर एक बार रोशनी होगी, फिर एक बार सवेरा आएगा और वो सवेरा लाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं. इसलिए हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, इसलिए गुजरात भी राहुल गांधी जी के पीछे खड़े रहेगा. આતા મુકુલ વાસનિક જે સીધો ને સ્પષ્ટ સંદેશો આપી દીધો કે યાત્રામાં લોકો એટલે જ ઉતરાઈ રહ્યા છે કે સરકારના જે મુદ્દા ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ, મુદ્દા રાહુલ ગાંધી ઉઠાવી રહ્યા છે. સાથે સાથે એમને એક વાત કીધી કે કોંગ્રેસને તોડવાનું કામ બીજી અન્ય પાર્ટી કરી રહી છે, પરંતુ ચોક્કસ સવાર આવશે, પ્રકાશ આવશે, ઝળહળતો પ્રકાશ આવશે અને સાથે સાથે ફરી એક વખત ઉજાગર થશે તમામ, અને જે લોકો ગયા છે કઈ ને કઈ જગ્યા પ્રજા એમને જવાબ પણ આપશે. કેમેરા પર્સન અલ્પેશ મારવાડી સાથે હાર્દિક પારેખ, પ્રકાશ વર્મા, ગુજરાત ન્યૂઝ, ગોધરા. हाल समाचार में बस आटलू ज, वधु समाचार माटे आप जोता रहो निर्माण न्यूज. नमस्कार.